नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी के वीकली एनालिसिस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, क्या है कि अभी मार्केट आप देख रहे हैं कि एक दिन बहुत ऊपर एक दिन बहुत नीचे हो जा रहा है, मार्केट में उतार चढ़ाव हो रहा है। तो ये डेटा के बेसिस पर भी बजट आने वाला है, बजट में लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये अभी किसी को पता नहीं चल रहा, और ये पता चलता भी नहीं है। लेकिन FII और प्रो हैं बड़े प्लेयर, उसके अनुसार अकॉर्डिंग डेटा को प्ले करते हैं और पोजीशन बनाते हैं। तो ये बहुत ही वीक इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें हम बात करते हैं कि बड़े प्लेयर की क्या पोजीशन बनी हुई और वो मार्केट को कहाँ पे देखना चाहते हैं बजट और बजट के बाद। तो इस वीडियो में एक डिटेल एनालिसिस है, वहाँ पे आप अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सब कुछ क्लियर पता चल जाए। इससे पहले दोस्तों, हमने एक कल वीडियो पोस्ट किया था कि कौन से कंट्री का FPI पैसे डाल रहे हैं और बजट में क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस वीडियो को डिटेल में हमने बताया था, आप यहां पे जाके देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि यहां पे क्या पोजीशन बना हुआ है। तो अगर बात करें हम FPI, FII, DII, प्रो का, तो अगर फ्यूचर में देखें तो क्लाइंट ने हमारे क्या किया है, जो 20 को फ्राइडे को इन्होंने क्या शॉर्ट 6400 क्वांटिटी शॉर्ट प्रेस किया है। इसके बाद उन्होंने क्या किया, 1600 जो लॉन्ग किया है। तो नेट बेसिस पे क्या है, 4800 इनका क्या है सर, शॉर्ट पोजीशन है। लेकिन ये क्या है, 69000 इनका शॉर्ट था, उसमें से इन्होंने कितना 4800 क्लोज किया शॉर्ट और लॉन्ग में देखें, लॉन्ग था तो ये 64000 अभी भी इनका लॉन्ग है। यानी ओवरऑल अगर देखें तो फ्राइडे के दिन उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा लॉन्ग पोजिशन इनिशिएट किया, तो इनके पास जो शॉर्ट था उसमें से थोड़ा सा क्लोज हुआ, लेकिन फ्राइडे का उनका पैसा मार्केट को नीचे लाने वाला था। फ्राइडे को FII ने क्या किया कि यहाँ पे उन्होंने फ्रेश लॉन्ग किया, फ्रेश लॉन्ग 9400 क्वांटिटी, तो ये बिल्कुल न्यूट्रल थे। थर्सडे के दिन इनके पास 8600 क्वांटिटी लॉन्ग हो गया, यानी FII फ्यूचर में लॉन्ग किए, फ्यूचर में FII ने लॉन्ग किया 9000 क्वांटिटी, ठीक। यानी FII यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश हुए। प्रो बिल्कुल वहां पे फ्यूचर न्यूट्रल थे, इनके पास अभी भी 32000 शॉर्ट पोजीशन बना हुआ है, यानी प्रो बियरिश ने फ्यूचर में, और DII ने 4800 क्वांटिटी फ्रेश शॉर्ट किया, 36 से इनका 40000 हो गया। तो ओवरऑल अगर ये आप देखें 64000 जो लॉन्ग है और ये 8000 लॉन्ग है, इस दोनों को लॉन्ग ऐड करेंगे अगर, तो इस दोनों के लॉन्ग में से ये दोनों आपको इक्वल शॉर्ट हो जाएगा। तो एज यूजुअल अभी हमारे पास जो लॉन्ग पोजिशन है वो थोड़ा सा FII का है, मैक्सिमम हमारे क्लाइंट का है, शॉर्ट पोजीशन प्रो का और DII का है। यानी फ्यूचर में प्रो और DII शॉर्ट करके बैठे हैं, FII स्लाइटली लॉन्ग है, स्लाइटली बुलिश है, और क्लाइंट हमारे फुल्ली बुलिश हैं। इसके बाद अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन में आप देखें कि यहाँ पे जो 19th का 51000 हमारे क्लाइंट के पास क्या था, राइटिंग था, किसका, कॉल का, ये कॉल का देखें, उसमें से उन्होंने 41000 क्लोज कर दिया, 41000, तो बचा उनके पास 10000 के पास कॉल की राइटिंग बची, पुट की उनके पास 250000 राइटिंग थी, ठीक। उन्होंने 68000 और पुट की राइटिंग की, मार्केट आपको नीचे आ रहा था, वो पुट की राइटिंग किए जा रहे थे, तो उनको लग रहा कि मार्केट ऊपर जाएगा। देखिए 318000 इनके पास क्या है, आपको पुट की राइटिंग हुई। यानी इन दिस सिचुएशन इन ऑप्शंस क्लाइंट हैज ओनली 10000 राइट पोजीशन एंड 318000 ऑफ पुट राइट पोजीशन, मींस दे आर फुल्ली बुलिश इन मार्केट बिकॉज दे हैव राइट द पुट नॉट द कॉल्स, एंड आल्सो दे आर बुलिश इन फ्यूचर आल्सो, दे आर बुलिश इन फ्यूचर आल्सो। इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने शॉर्ट तो क्रिएट किया है, लेकिन इनका लॉन्ग यहाँ पे बहुत ज्यादा है, 64000 they have long position in future, they have only 10000 position right in call and 318000 they have right in put। तो इस basis के आधार पे आप देखें कि यहाँ पे इनका पूरा bullish position है। FII क्या है, FII के पास आप देखें कि इनके पास 82000 जो था वो क्या था, call की buying थी, इन्होंने 62000 और buying कर लिया कॉल में, कितना होगा 1,45,000 इनका कॉल की बाइंग हो गई, 2,37,000 इनके पास पुट की बाइंग थी 19th को, 71,000 इन्होंने पुट बाइंग की।
इसका मतलब क्या है, ये है दोनों तरफ पोजीशन हैज करके चल रहे हैं, एफ आई आई हैज देयर पोजिशन इन कॉल एंड पुट ऑल्सो बाई डूइंग बाइंग, यानी एफ आई आई बाइंग ऑल पोजिशन इन कॉल एंड पुट ऑल्सो दे हैव बॉट, मीन्स दे आर हैज देयर पोजिशन एंड ऑल्सो दे आर बुलिश इन स्लाइटली बुलिश इन फ्यूचर। तो आप इस डेटा के बेसिस पे देखें कि इनका 308,000 यहाँ पे पोजिशन है, मतलब इनका क्या है ज्यादा है, 1,45,000 से यहाँ पे ज्यादा पोजिशन इनका क्या है पुट में है। तो ये इनका बायस है वो बेरिस है, बेरिस बायस है। प्रो ने क्या किया, प्रो ने यहाँ पे देखिए 31,000 टीम के पास क्या था, कॉल की राइटिंग थी मात्र, इन्होंने क्या किया 104,000 और राइट कर दिया, 104,000 कॉल की राइटिंग कर दी, कितना हुआ इनका 135,000 हो गया। मार्केट को नीचे लाके उन्होंने राइटिंग किया, इनके पास पुट की राइटिंग 17,000 बिल्कुल इन्होंने यहां पे राइटिंग नहीं किया, यहां राइटिंग नहीं किया, ये क्या किया 19,000 राइटिंग है। तो मंडे को ये क्या करेंगे, मंडे को मार्केट नीचे लाएंगे और वहां पे एक अच्छा प्रीमियम के साथ ये राइट करेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ लिख सकता हूं कि ये थोड़ा सा और नीचे लाएंगे और यहां पे ये राइटिंग करें, और वहां पे जब नीचे लाएंगे तो ये पोजीशन क्लोज होगा, ये पोजीशन इनके पास जो ज्यादा पोजीशन है ये क्लोज करेंगे, मार्केट को नीचे लाएंगे, ये बेयरिश पोजीशन बनाएंगे हमारे प्रो, नीचे लाएंगे पहले यहां पे स्लाइटली कॉल की राइट करके, और ये पोजीशन अपना लॉस में क्लोज करवाया जाएगा हमारे क्लाइंट से। अब ट्यूजडे का डेटा देखिएगा, मंडे का शाम का डेटा कन्फर्म साइकोलॉजिकल, माई साइकोलॉजी के हिसाब से बड़े पेयर का बता रहा हूँ कि उनका माइंड क्या होगा, वो क्या करेंगे। यहाँ पर वो पोजिशन ये एफ आई आई द्वारा क्लोज किया जाएगा, जो उन्होंने क्या किया है फ्राइडे को बाई किया है, दे विल क्लोज देयर पुट बाई पोजिशन ऑन फ्राइडे एंड प्रो विल डू पुट राइटिंग ऑन फ्राइडे, वेन मार्केट इज कमिंग डाउन दे विल डू द पुट राइटिंग एंड एफ आई आई विल क्लोज देयर पुट बाइंग पोजिशन एंड then both player will reverse their position when market will go down side on Monday। तो ये एक logic रहेगा और इसके basis पे हम trade करेंगे Monday को। तो आप यहाँ पे देखें कि यहाँ हमारे FII भी bearish हैं slight, हमारे pro भी bearish हैं और हमारे DII भी bearish हैं, ये इनके पास भी position है, only bullish कौन है हमारा client है। तो client को Monday को फिर bearish कराया जाएगा और तब हमारे बड़े player bullish होंगे। अब इसको हम ऑप्शन चेन में देखते हैं कि ऑप्शन चेन में क्या हुआ, 18,050 के पास यहाँ पे देखें तो 18,100 पे ये पोजीशन 84,000 बनाया गया, आप देखें 84,000 जबकि ये इन द मनी है, 18,027 है ये यहाँ पे और 18,100 पे ये 177,000 पोजीशन बनाया गया, यानी यहाँ पे दैट पोजीशन वाज मेड बाई प्रो, दैट ऑल पोजिशन इज मेड बाई प्रो एंड दैट पोजिशन इज वॉज मेड बाई FII, they have bought their put and they have write their call position and that is written by pro। तो आप इस डेटा को समझिए कि यहाँ पे प्रो ने क्या किया, पूरा ये पोजिशन राइट किया है पूरा, और ये आप देख सकते हैं कि जो एक्टिविटी है 18,100 और 18,150 पे पोजिशन बनाया गया था किसके द्वारा, यहाँ पे पूरे बड़े प्लेयर यहाँ पे एक्टिव थे, और पेन क्या था कि 18,100 से सेकेंड पेन आपको नीचे 18,000 के था, तो मार्केट का डायरेक्शन क्या था नीचे की तरफ था, पेन विल डिसाइड द मार्केट डायरेक्शन, इफ द सेकेंड डायरेक्शन इज अबव द फर्स्ट डायरेक्शन देन मार्केट विल गो अपसाइड एंड इफ द सेकेंड पेन इज बिलो द फर्स्ट पेन देन मार्केट विल गो डाउनसाइड, दैट द पेन विल टेल द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट एंड बेस्ड ऑन द बिग प्लेयर्स डेटा, That pain will decide on the big player data। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो राइटिंग किया गया है बड़े प्लेयर द्वारा, कॉल की राइटिंग किया गया, यानी बड़े प्लेयर कॉल की राइटिंग कर रहे थे, दिस ऑल डेटा कि यहाँ पे क्या है बड़े प्लेयर यहाँ पे पुट की बाइंग और कॉल की राइटिंग कर रहे थे और हमें वो डेटा में भी दिख रहा था। तो ये डेटा के आधार पर आप देख सकते हैं कि 18,100 पे जो राइट किया गया है वो हमारे प्रोप द्वारा किया गया है, ये मार्केट को कहां, यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहां तक 18,000 तक और 17,970 तक 960 तक एक बार लाएंगे, 17,960-970 तक एक बार लाएंगे क्योंकि उनके नीचे इनका पोजीशन ज्यादा नहीं है, आप यहां पे देख सकते हैं, जबकि इन द मनी यहां पे पोजीशन पूरा क्लोज हो रहा है,
और आप अगर प्रीमियम की बात देखें तो कॉल साइड देखें 81% प्रीमियम अभी भी है, अभी भी कॉल साइड 81% प्रीमियम है आपको इन द मनी में, आउट ऑफ द मनी में दोनों साइड 50-50 है। तो दोस्तों मार्केट को और ये नीचे लाएंगे, कॉल साइड का पूरा प्रीमियम उठाएंगे तब मार्केट को ऊपर लाएंगे, प्रीमियम को पूरा इट करके तब मार्केट को ऊपर लाएंगे। तो यहाँ पे स्लाइटली डेटा हमारा बेयरिश इंडिकेट कर रहा है निफ्टी का। अब एक बार हम आपको बैंक निफ्टी का भी दिखाते हैं कि अगले एक्सपायरी जो मंथली एक्सपायरी है वहां पर बैंक निफ्टी में क्या पोजिशन बना है। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का डेटा हमें डिसाइड करता है। तो बैंक निफ्टी आप देखें कि बैंक निफ्टी बुलिश था, मैंने यहां बताया था कि बैंक निफ्टी बुलिश है और ये 42,500 के पास निफ्टी देखिए नीचे आया, बैंक निफ्टी उसके चलते नीचे आया, नहीं तो नीचे नहीं आता। और यहाँ 42,500 पे ये 76,000 फ्रेश राइटिंग किया गया है, फ्रेश राइटिंग, और ये 42,600 पे भी, तो 4,32,000 यहाँ पे पोजीशन बनाया गया है, सेम लगभग 4,67,000 पोजीशन बनाया गया है। लेकिन ये मैक्सिमम पोजीशन आपको क्या है, आप फार आउट ऑफ द मनी बनाया गया है, यहाँ पे फार आउट ऑफ द मनी, यहाँ 42,500 पे 41,000 पोजीशन, 46,000 ये दोनों पोजीशन ज़्यादा है और दोनों पोजीशन यहाँ पे भी ज़्यादा है। तो ओवरऑल आप 42,500 42,600 अभी आपको 42,500 स्ट्रॉन्ग आपको देखिए क्या है, रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा है, रेजिस्टेंस का। और इसका पेन क्या है देखिए, ऊपर था इसका पेन, ऊपर था सेकेंड पेन, फर्स्ट पेन 42,500, सेकेंड पेन 42,600, मार्केट 42,500 के ऊपर क्लोजिंग दिया आप देखें। और इस पेन के बीच ज़्यादा डिफरेंस नहीं था नंबर, दैट नंबर इज ऑल्सो डिसाइड वेदर द मार्केट इज गोइंग शार्पली और नॉट और स्लोली। अगर इस दोनों के बीच, इस पेन के बीच जितना डिफरेंस नंबर होगा ना, दैट विल ऑल्सो डिसाइड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। और देखिए ऊपर में 42,700 42,600 पे यहाँ पे बड़ा प्लेयर कॉल साइड एक्टिव थे, रेस्ट ऑल आप यहाँ पे पुट साइड एक्टिविटी देख रहे हैं। तो ये एडवांस सीट के आधार पर दोस्तों हमें पता चल जाता है कि बड़े प्लेयर कहाँ पे एक्टिव हैं, वो क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ बैंक निफ्टी का डेटा स्लाइटली बुलिश इंडिकेट कर रहा है। अगर इसको हम देखना चाहें तो लाइव मार्केट में दोस्तों ये पूरा हम अपडेट करते हैं। देखिए ये सारा कुछ जो स्टर्डे को डाटा गेटिंग बुलिश ऑफ निफ्टी नाउ, बैंक निफ्टी फुल्ली बुलिश, मैक्सिमम डाउन साइड 18,080 मैंने यहाँ पे लिखा था, और 18,080 बोथ साइड स्ट्रॉन्ग, कॉल साइड पोजिशन इंक्रीजिंग, ये सब कुछ पोजिशन यहाँ पे बताया जाता है कि एक्टिविटी कहाँ पे क्या चल रहा है बड़े प्लेयर का। तो आप जाके ये हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ये सब सारा सॉफ्टवेयर अपना डेवलप करना है फुल्ली सॉफ्टवेयर, तो दोस्तों नेक्स्ट बैच हमारा 05 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। आप बिल्कुल आप मुझे इस नंबर पे मैसेज करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं इस फी में ही, अभी यही फ्री चल रहा है, नहीं तो ये फी अभी भी यहाँ पे 30% हाइक हो जाएगा, 30%, क्योंकि लोग सिर्फ ऑप्शन चेन के लिए 1,00,000 रुपए चार्ज करते हैं। आप अपना अगर फुल्ली सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं और फुल्ली सिस्टम बनाना चाहते हैं तो एक बार आप जरूर हमें सेवा का मौका दीजिए और बिल्कुल आप यहाँ पे फ्रेश महसूस करेंगे और एक अच्छा आपको सॉफ्टवेयर डेवलप होकर मिलेगा। दोस्तों अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो मेरा एक छोटा सा प्रीमियम ग्रुप भी है, आप मुझे पर्सनली मैसेज करके यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं कि बिल्कुल एक दोस्तों मिनिमम फी के साथ वहाँ पे आपको सब कुछ ऑटो में मिलता है, एक रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ, बहुत मात्र ₹50 per day यानी आपको 1501 में। तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, एक छोटा सा अपडेट रहा। चलिए हम देखते हैं कि हमें कैसे ट्रेड करना है निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो अगर हम यहाँ पर देखें फ्रेश जो लॉन्ग होना है, वीवैप के नीचे मार्केट एक अच्छा क्लोजिंग दिया, फ्रेश लॉन्ग आपको इस स्विंग के ऊपर, ये स्विंग यानी 18,080 के ऊपर, 18,080 के ऊपर ही फ्रेश लॉन्ग होना है। टारगेट 18,140 का और 18,200 का होगा। तो यहाँ पे अभी जो है ये हमें प्राइस एक्शन भी बेयरिश इंडिकेट कर रहा है, लेकिन ये एक सपोर्ट का भी काम कर रहा है ये स्विंग, यानी यहाँ पे मार्केट जो ऊपर था ये पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, इसको ब्रेक किया तो मार्केट अच्छा ऊपर गया, इसके बाद अभी एक सपोर्ट का काम कर रहा है। तो इस लेवल के ऊपर हमें लॉन्ग रहना है, शॉर्ट होना है 17,980 के नीचे, यानी 40 पॉइंट नीचे आएगा तो टारगेट हमारा 17,920 का और 17,830 का टारगेट होगा। ये हमारा टारगेट निफ्टी करा। अगर आप बात करें वीकली में तो निफ्टी आप देखें दोस्तों कि बिल्कुल हाई को अपने टच करके
और ये इस लेवल के ऊपर मैंने एक बार बताया था कि यहाँ पे ये क्या करेगा, वेट करेगा। तो यहां से ऊपर चलता है तो टारगेट आपका 18596 का होगा, नहीं तो फिर नीचे आपको टारगेट आपको ये आपको 17000 का टारगेट दिख रहा हमारा नीचे अगर डेटा आता है तो नीचे। तो ये कल का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट को डिसाइड करने के लिए फर्दर। तो मंडे का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मंडे को देखेंगे कि मार्केट में क्या एक्टिविटी हो रही है। ऐसे अगर वीकली बेसिस पे कहें तो एक बार पॉज ले रहा है इस स्विंग को, यानी 17800 के लेवल को जो ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट आपको फिर 17500 और फिर 16200 का टारगेट दिख जाएगा दोस्तों इस स्विंग के ऊपर। तो ये हमारा अपडेट रहा निफ्टी का। अगर बात करें बैंक निफ्टी में तो बैंक निफ्टी भी आप देखें पूरा कि इस पूरे चैनल में चल रहा था जो हमने डिसाइड किया था, चैनल को एक ब्रेक करके अच्छा यहाँ पे क्या बाउंस किया। क्यों? क्योंकि चैनल को बार बार चैनल के अपर में ज्यादा हिट था, आप देखें अपर जो लेवल था उस पर वो हिट कर रहा था बार बार, और हिट करके यहाँ पे सीधा बाउंस बैक दिया। तो जो हमने डिसाइड किया था कि 42700 का हमारा लेवल था उसको टच किया, फिर निफ्टी ने उसको थोड़ा सा स्लाइटली नीचे लाया, और नीचे लाया तो नेक्स्ट लेवल हमारा क्या होगा 23 को 42590 के ऊपर आपको लॉन्ग होना है। 500 यहाँ पे 14 चल रहा है, यानी इस स्विंग के ऊपर दोस्तों देखिए इस स्विंग के ऊपर चलेगा तो टारगेट हमारा फिर 42700 का और 42900 का होगा 950 का। सॉरी दोस्त, यानी जैसे ही बैंक निफ्टी 42590 के ऊपर चलता है तो टारगेट 42700 का इमीडिएट, वहां से 100-120 पॉइंट और फिर आपको 42900 का शॉर्ट होना है 42460 के नीचे, यानी इस स्विंग के नीचे दोस्तों, इस स्विंग के नीचे ही शॉर्ट होना है। तब तक 460 और 590 के बीच आप स्विंग ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग कर सकते हैं। टारगेट हमारा 42300 का और 42200 का होगा नीचे का टारगेट। तो ओवरऑल अभी बैंक निफ्टी का डेटा हमें स्लाइटली बुलिश है, और आप देखें तो बैंक निफ्टी बिल्कुल जो फिबोनाची रेशियो है उसके लेवल को सपोर्ट लेके ऊपर चल रहा है फिर, यानी इस लेवल को ब्रेक नहीं किया 41794 यानी 41800 के लेवल को ब्रेक नहीं किया। तो जब तक 41800 के लेवल को बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं करता है तब तक हम फ्रेश शॉर्ट नहीं होंगे। फ्रेश शॉर्ट 41800 के नीचे जब क्लोजिंग दे देगा 15 मिनट का कैंडल तो ही हमें होना है, और हमारा स्टॉप लॉस उस कैंडल का हाई होगा। इस चीज को आप नोट कर लीजिए दोस्तों। ओवरऑल ये हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस रहा। एफपीआई ने यहाँ पे देखिए जबरदस्त सेलिंग किया है, जनवरी में इन्होंने लगभग 15000 करोड़ का इक्विटी में सेल किया है, 15000 करोड़ का, और उन्होंने फ्राइडो को भी लगभग 2000 करोड़ का सेलिंग किया है। तो एफआईआई बिल्कुल कैश में पैसा निकाल रहे हैं, वो आपको हमने डेटा में देखा कि पुट भी ज्यादा बाई करके गए हैं, कैश में सेल कर रहे हैं, तो ये एफआईआई यहाँ पे बियरिश है। तो दोस्तों अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंच सके। दोस्तों एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के आधार बनाया गया है, इसके आधार पर बाय सेल या होल्ड का ऑप्शन क्रिएट ना कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए, उन्हीं के सलाह पर बाय सेल। मिलते हैं मंडे को लाइव मार्केट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।